मैं डॉक्टर माधवी त्रिपाठी राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, जिसका टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक है क्लॉजेस, जिसका आज हम पार्ट 6 ले रहे हैं और इसमें हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन के बारे में बात करेंगे। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन को समझने से पहले कुछ रिवाइज करते हैं। देखिए, क्लॉजेस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज भी 3 टाइप्स के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, जिसके बारे में हम पार्ट 5 में पढ़ चुके हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, पर्पस, कॉज और रीजन, कंडीशन, रिजल्ट, मैनर, कंपैरिजन, कंट्रास्ट और कंसेशन। इस सेशन में हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ देखो, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन के कनेक्टर्स, इफ, अनलेस। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, वेदर, प्रोवाइडेड दैट, इन केस एंड दैट। किसी भी सेंटेंस में किसी क्लॉज के शुरू होने से पहले यदि आपको इनमें से कोई कनेक्टर मिलता है तो वह क्लॉज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन होगा। अब हम बात करते हैं एडवर्ब क्लॉज के बारे में, इसकी कंडीशंस के बारे में। उससे पहले इसके कनेक्टर्स हमने रिवाइज किए हैं। देखो, इफ, अनलेस, वेदर, प्रोवाइडेड दैट, सो लॉन्ग एज, यहाँ पर इसके हिंदी ट्रांसलेशन दी गई है। इसे हिंदी में हम शर्त वाले क्रिया विशेषण उपवाक्य बोलते हैं और आपको समझने के लिए बहुत आसान होगा यदि आप इस वर्ड को ध्यान रखें। यानी इस क्लॉज में कोई ना कोई कंडीशन अर्थात कोई ना कोई शर्त दी गई होगी। अब देखिए इफ़ क्लॉज, इफ़ क्लॉज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इफ़ क्लॉज की 3 कंडीशंस होती हैं, जिसमें से पहली है प्रोबेबल, दूसरी है इम्प्रोबेबल, जिसे हम इमेजिनरी कंडीशन भी कहते हैं, एंड द थर्ड वन इज इम्पॉसिबल कंडीशन। अब हम इसकी फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं। देखो, ये कंडीशन कहलाती है ओपन या प्रोबेबल कंडीशन, पॉसिबल कंडीशन या लाइकली कंडीशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं खुली या संभावित शर्त। ठीक है, इसमें आपको एक पॉसिबिलिटी मिलती है और एक परमिशन मिलती है। द फ्यूचर टेंस इन मेन क्लॉज इंडिकेट्स एज सर्टन रिजल्ट। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि मेन क्लॉज में फ्यूचर टेंस होगा। इट कैन बी रिप्लेस्ड विथ मे और कैन। अब देखो, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस और दूसरी तरफ सिंपल फ्यूचर टेंस। सेंटेंस को देखो, इफ अटल वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड। तो यहाँ पर आपको दिखा है कि इफ क्लॉज है तो सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है, और दूसरी तरफ सिंपल फ्यूचर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, इफ अटल रन्स फास्ट ही विल कैच द बस। तो यहाँ पर भी इफ क्लॉज है, ठीक है, अटल सिंगुलर है इसलिए वर्ब में हमने एस लगाया है। तो रन्स फास्ट कौन सा टेंस हुआ? सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरी तरफ विल कैच क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस। तो अब ये कंडीशन हमें पता चल गई कि इफ क्लॉज में एक तरफ सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा और दूसरी तरफ सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। एग्जाम में हो सकता है आपको ये साइड दिया हुआ हो और ये साइड पूछा जाए, तो आप इसे समझ सकते हैं कि एक तरफ सिंपल फ्यूचर है तो हमें दूसरी तरफ सिंपल प्रेजेंट लगाना है। नेक्स्ट देखो, इफ देयर इज एन ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन इन द मेन क्लॉज। ध्यान रहे, मेन क्लॉज में क्या भाव होना चाहिए? या तो ऑर्डर हो या इंस्ट्रक्शन हो। वी यूज द इम्पैरेटिव टेंस, ठीक है। इम्पैरेटिव क्या होता है? जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, ठीक है, इन प्लेस ऑफ द फ्यूचर टेंस। अब सेंटेंस को देखते हैं, If you don't want to be punished, तो यहाँ पर क्या है? एक instruction है, do it
एट वंस, यह प्रिंसिपल क्लॉज है और यह सब ऑर्डिनेट क्लॉज है जो कि एडवर्ब क्लॉज है। आपको ध्यान होगा हमने पूर्व में भी डिस्कस किया है कि जहाँ से कोई कनेक्टर लगता है वह सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है और दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज होता है। ठीक है, इफ़ यू नीड एनी हेल्प कम टू मी, यहाँ पर भी क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है, इफ़ क्लॉज है। ठीक है, तो दूसरी तरफ इम्पैरेटिव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है। नेक्स्ट देखो, यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई फैक्ट या कोई हैबिचुअल रिएक्शन की बात हो तो हम दोनों ही क्लॉजेस में टेंस सेम रखते हैं। देखो, इफ़ अटल हीट्स वाटर इट बॉइल्स, तो यहाँ पर क्या है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो इसलिए दोनों तरफ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हुआ है। इफ करुणा वर्क्स हार्ड, करुणा सक्सीड, तो यहाँ पर करुणा वर्क्स हार्ड, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट, दूसरी तरफ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हुआ है। करुणा की जगह यहाँ पर शी लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कंडीशन लेस लाइकली टू बी फुलफिल्ड, यदि ऐसी कोई कंडीशन है जिसके फुलफिल होने की संभावना बहुत कम हो तो हम शुड का यूज़ करते हैं। देखो, शुड नयन आस्क हर शी विल मैरी हिम, तो ये कंडीशन कौन सी है, लेस लाइकली टू बी फुलफिल्ड, जिसके पूरा होने की संभावना बहुत कम है। इफ़ यू शुड आस्क हर शी विल मैरी यू, तो यहाँ पर भी संभावना कौन सी है, लेस लाइकली टू बी फुलफिल्ड, इसलिए हमने शुड का प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखो, यूज़ ऑफ विल या वुड, विल और वुड का यूज़ हम तब करते हैं जबकि हम किसी दूसरे पर्सन की कंसेंट लेना चाहते हैं या उसकी विलिंगनेस चाहते हैं। देखो सेंटेंस, इफ़ मिस्टर शर्मा विल या वुड इनवाइट हर शी विल कम, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, भाव कौन सा है, कंसेंट का है और विलिंगनेस का है, इसलिए हमने विल और वुड का यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, इफ़ यू विल और वुड कम I will feel happy, तो सेम हमने if क्लॉज में will और would का यूज़ किया है। नेक्स्ट देखो, if प्लस नेगेटिव वर्ब, यदि हम if लगाते हैं तो हम नेगेटिव वर्ब यूज़ कर सकते हैं, परंतु यदि हम unless लिखते हैं तो हमें affirmative वर्ब लिखनी होगी, क्योंकि unless का मतलब होता है if not। सेंटेंस देखो, इफ़ करुणा डज नॉट अपियर इन द एग्ज़ाम शी विल मिस द चांस, तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि यदि करुणा एग्ज़ाम में अपियर नहीं होती है तो वह चांस मिस कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अनलेस करुणा अपियर्स इन द एग्ज़ाम शी विल मिस द चांस, सेंटेंस सेम है परंतु यहाँ पर इफ़ था इसलिए हमने डज नॉट लिखा, यहाँ पर अनलेस है इसलिए हमने नॉट का प्रयोग नहीं किया है। नेक्स्ट देखो, सेकंड कंडीशन इम्प्रॉबेबल या अनलाइकली या इमेजिनरी कंडीशन, ये वो कंडीशंस हैं जो कभी पूरी नहीं होती। ठीक है, इफ़ प्लस सिंपल पास्ट टेंस, दूसरी तरफ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इफ़ यू इनवाइटेड हिम ही वुड कम, यहाँ पर कंडीशन है कि यदि तुमने उसे इनवाइट किया होता ही वुड कम, वह आ जाता, तो यहाँ पर क्या है, इफ़ के साथ सिंपल पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, दूसरी तरफ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, इफ़ नयन पार्टिसिपेटेड इन कॉम्पिटिशन ही वुड विन, तो यहाँ पर भी क्या कंडीशन दी है कि यदि नयन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता तो वह जीत जाता।
नेक्स्ट देखो, इफ देयर इज प्योर सपोजिशन, यानी हमारी कंडीशन क्या है प्योर सपोजिशन की, तो हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस. नेक्स्ट रूल देखो, इफ देयर इज समथिंग इमेजिनरी, कौन सी कंडीशन है इमेजिनरी, जस्ट अ डे ड्रीमिंग वी यूज वर इन द कंडीशनल क्लॉज. कंडीशनल क्लॉज कौन सा है? इफ क्लॉज. देखो आप, इफ आई बिकेम अ किंग आई वुड परचेज द होल सिटी. इस सेंटेंस में आपको ये ध्यान रखना है कि इफ क्लॉज में यदि वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है तो दूसरी तरफ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. नेक्स्ट देखो, वुड यू हैव हैप्पीनेस इफ यू वर इन हेवन. तो यहाँ पर भी एक तरफ वुड है और दूसरी तरफ वर. एक और सेंटेंस देखो, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई. तो यहाँ पर भी एक तरफ वर है तो दूसरी तरफ वुड. नेक्स्ट देखो, यूज ऑफ वर टू एम्फेसाइज द सपोजिशनल नेचर ऑफ द कंडीशन, यानी हमें सेंटेंस में वर टू मिलेगा. देखो, इफ इंदु वर टू इनवाइट हिम ही वुड एकम्पनी अस. तो आपको क्या ध्यान रखना है कि यदि इफ क्लॉज में वर टू लिखा हुआ है तो दूसरी तरफ आपको वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है. और इफ क्लॉज में वर टू का यूज होता है किसके लिए होता है? टू एम्फेसाइज द सपोजिशनल नेचर ऑफ द कंडीशन. नेक्स्ट देखो, इफ मिस्टर वर्मा वर टू हेल्प मी आई वुड थिंक ट्वाइस. यहाँ पर इफ क्लॉज है, ठीक है, इसमें वर टू का यूज हुआ है, दूसरी तरफ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है. नेक्स्ट देखो, टू सीक द विलिंगनेस ऑफ अनदर पर्सन द प्रेफरेबल वे इज टू यूज वुड इन द कंडीशनल सेंटेंस. यानी जो कंडीशनल सेंटेंस है अब हम उसमें वुड का यूज करेंगे. इफ ही वुड हेल्प अस वी वुड बी फॉर एवर ऑब्लाइज्ड. तो इसमें कंडीशनल क्लॉज में वुड का यूज है, दूसरी तरफ वुड बी, ठीक है. नेक्स्ट देखो, अनफुलफिल्ड और इम्पॉसिबल कंडीशन, इसे हम हिंदी में कहेंगे अपूर्ण या असंभव शर्त. यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट लगेगा और दूसरे क्लॉज में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. सेंटेंस देखो, इफ मोहन हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ट. तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इफ क्लॉज में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और दूसरे क्लॉज में वुड हैव पास्ट, यानी वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. नेक्स्ट देखो, इफ रवि हैड वन द केस ही वुड हैव परचेस्ड द हाउस. तो यहाँ पर भी आपने देखा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है. इफ मोहित हैड बीन इल ही वुड नॉट हैव कम. तो यहाँ पर देख लो कि हैड बीन इल लिखा है और दूसरी तरफ वुड नॉट हैव कम. यहाँ पर कम वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्योंकि कम केम कम, ठीक है. नेक्स्ट देखो, हैड का यूज, हैड ही वॉन द लॉटरी ही वुड हैव नेवर बीन पुअर. यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है कि यदि वह लॉटरी जीत जाता तो वह कभी भी पुअर नहीं रहता. तो यहाँ पर भी क्या है, एक कंडीशन की बात की गई है. तो एक तरफ हैड का यूज हुआ है और दूसरी तरफ वुड हैव नेवर बीन पुअर. नेक्स्ट देखो, हैड मोहित स्माइल्ड ही वुड हैव नेवर बीन सिक. यानी यहाँ पर आपने देखा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, और दूसरी तरफ हम वुड का यूज़ कर सकते हैं, विल का कर सकते हैं, शुड का यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हैव नेवर बीन सिक का यूज़ हुआ है. नेक्स्ट देखो, यूज ऑफ अनलेस. अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट. तो अनलेस वाले क्लॉज में हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं. देखो इधर, अनलेस यू वर्क हार्ड
यू विल नॉट गेट फर्स्ट पोजिशन इन द क्लास। यहाँ पर भी एक कंडीशन दी गई है और कनेक्टर अनलेस के साथ दी गई है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है, तो दूसरी तरफ विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। अनलेस मोहित वर्क्स हार्डर ही विल फेल। यहाँ पर भी आप देखो अनलेस लिखा है, ठीक है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, दूसरी तरफ विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेगेटिव या पॉजिटिव सिंपल फ्यूचर टेंस की, प्लस अनलेस प्लस पॉजिटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपने एक बात नोटिस करी होगी कि एक तरफ सिंपल फ्यूचर आता है तो अक्सर दूसरी तरफ सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। देखो आप, ही वोंट, ये क्या हो गया, नेगेटिव फॉर्म। इसकी जगह आप वुड नॉट भी लिख सकते हैं, शुड नॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है। गेट गोल्ड मेडल अनलेस ही वर्क्स हार्ड। तो हमें याद क्या रखना है कि अनलेस क्लॉज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वो भी पॉजिटिव सेंस में, ठीक है। मोहित विल, इसकी जगह आप वुड नॉट, शुड नॉट और वोंट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अनलेस ही वर्क्स हार्डर, यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने विल का प्रयोग किया है जो कि क्या है, एक पॉजिटिव सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो दूसरी तरफ पॉजिटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया गया है। हमें स्ट्रक्चर्स का ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि एक तरफ यदि पॉजिटिव सिंपल फ्यूचर है तो दूसरी तरफ भी पॉजिटिव सिंपल प्रेजेंट हो सकता है, एक तरफ यदि नेगेटिव सिंपल फ्यूचर है तो दूसरी तरफ पॉजिटिव सिंपल प्रेजेंट भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमने दोनों स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करी है। नेक्स्ट देखो, शुड प्लस बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है, जिसे हमने बी आई के नाम से लिखा है, देन सिंपल फ्यूचर टेंस। अब यहाँ देखो बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बेयर इन्फिनिटिव में टू का प्रयोग नहीं होता है। देखो, शुड कविता मेक एन अपील, यहाँ पर आपको शुड का यूज़ मिला है, इसके बाद आपको बेयर इन्फिनिटिव मिल रहा है, प्रिंसिपल विल हेल्प यू, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है कि शुड कविता मेक एन अपील तो प्रिंसिपल विल हेल्प यू। नेक्स्ट देखो, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल या वुड प्लस बेयर इन्फिनिटिव। वर आई रिच आई वुड हेल्प द पुअर। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है कि एक तरफ यदि वर का यूज़ है तो दूसरी तरफ आप वुड का यूज़ करेंगे जिसके साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब देखो यूज़ ऑफ इन केस, इन केस का मतलब होता है बशर्त और दूसरा होता है अगर ऐसा हो जाए तो। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि इन केस के बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगी। इस तरह के सेंटेंसेस स्टेटमेंट भी हो सकते हैं और कमांड के सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखो कि इन केस के साथ यदि प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है तो इसका मतलब होता है कि इस तरह का एक्शन हो सकता है, ठीक है, दिस मे हैपन। सेंटेंस देखो, इंदु ऑलवेज कीप्स एक्स्ट्रा मनी, इंदु हमेशा एक्स्ट्रा मनी रखती है। इन केस देयर इज अ क्रूशल सिचुएशन, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि यदि कोई क्रूशल सिचुएशन हो तो इसके लिए इंदु हमेशा एक्स्ट्रा मनी रखती है, और ऐसी सिचुएशन तो हो भी सकती है। नेक्स्ट देखो, नयन ऑलवेज लिसन्स न्यूज इन केस समवन आस्क एनी इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर भी क्या है, नयन हमेशा न्यूज सुनता है इन केस कोई उससे कोई इन्फॉर्मेशन पूछ ले तो। नेक्स्ट देखो, प्रोवाइडेड दैट ऑन कंडीशन दैट सो लॉन्ग एज, इन शब्दों का अर्थ होता है बशर्त की या अगर। ये क्या एक्सप्रेस करते हैं, रिस्ट्रिक्शन, स्ट्रॉन्ग आइडिया ऑफ लिमिटेशन, यूज मेनली फॉर परमिशन।
एग्जाम्पल देखते हैं. नयन कैन आस्क मी एनीथिंग सो लॉन्ग एज. अब यहाँ एक बात ध्यान रखिए कि इस सो लॉन्ग एज की जगह ऑन कंडीशन दैट का यूज़ भी हो सकता है, साथ ही साथ प्रोवाइडेड दैट का यूज़ भी हो सकता है. आप चाहें तो सो लॉन्ग एज लिखिए, आप चाहें तो ऑन कंडीशन दैट लिखिए या प्रोवाइडेड दैट लिखिए. अब सेंटेंस को दोबारा पढ़ते हैं. नयन कैन आस्क मी एनीथिंग सो लॉन्ग एज ही नेवर इंटरफेयर माई पर्सनल लाइफ. तो यहाँ पर मीनिंग साफ साफ पता चल रहा है कि नयन मुझसे कुछ भी पूछ सकता है बशर्त कि वो मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करे. नेक्स्ट देखो, यूज ऑफ इवन इफ या इवन दो. इसका मतलब होता है भले ही. नयन मस्ट जॉइन माय बर्थडे पार्टी इवन इफ या इवन दो नयन इज अनहेल्दी. तो यहाँ पर भी क्या है, एक कंडीशन दी गई है कि नयन को मेरी बर्थडे पार्टी ज्वाइन करनी ही चाहिए भले ही नयन क्या हो, अनहेल्दी हो. नेक्स्ट देखो, यूज ऑफ वेदर. इसके साथ और का यूज होता है, इफ के साथ भी और का यूज होता है. इसका मतलब है चाहे कि या. देखो, नयन मस्ट ज्वाइन माय बर्थडे पार्टी वेदर नयन इज फीलिंग वेल और नॉट. तो यहाँ पर भी एक कंडीशन दी गई है कि नयन को मेरी बर्थडे पार्टी ज्वाइन करनी ही चाहिए, ठीक है, चाहे नयन फीलिंग वेल हो और नहीं हो. नेक्स्ट देखो, इम्परेटिव सेंटेंसेस में प्लस एंड प्लस असर्टिव सेंटेंस. यहाँ देखो, गिव मी नोटबुक एंड आई विल फिनिश माय होमवर्क. तो यहाँ पर क्या है, आपने देखा कि यह एक इम्परेटिव सेंटेंस है क्योंकि ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. गिव मी नोटबुक, मुझे नोटबुक दो. एंड आई विल फिनिश माय होमवर्क, मैं अपना होमवर्क पूरा करूँगा. तो यहाँ पर भी क्या है, एक कंडीशन दी गई है. तो ये सब क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन. बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए. थैंक यू, गुड बाय.